हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर हम बात करें लास्ट के टेन इयर्स की दस सालों में आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा ठीक है इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है क्योंकि तो बहुत जगह से खोज खोज कर निकाल कर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है समझ गए तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा आर्टिकल्स का तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपका रहेगा ही रहेगा क्योंकि अभी पैटर्न भी यही है आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है अगर आप बात करें 2019 के सी जी एल सी एच एस एल आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे यस yes, आए थे 2018 2017 16 15 आप किसी भी ईयर में चले जाए आर्टिकल्स से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा पॉलिटी से समझ गए तो याद ही कर जाना है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कि प्रीवियस से अगर आप कवर मतलब कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो स्टार्ट करें हम लोग लो अपना इंपॉर्टेंट चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट हैेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया किस आर्टिकल के अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर क्या होगा राइट आंसर आर्टिकल ट्वेंटी वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन स्टाफ मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आता ही आता है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है राइट right आंसर क्या होगा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इज द राइट आंसर फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है विच ऑफ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है अब देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है ये एकदम करेक्ट है ठीक है तो ये आपको याद कर लेना है राइट टू इक्वालिटी आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये आर्टिकल 20 से 22 के बीच में है यही गलत है समझ गए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल ट्वेंटी से ट्वेंटी ये आपका करेक्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम ये आर्टिकल 29 से 30 ये भी करेक्ट है ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये मेंशन है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में समझ गए राइट आंसर क्या होगा यहां पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये करेक्टली मैच नहीं है तो आपको याद क्या करना है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये किस में है ये गिवेन है आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड इसमें से कौन करेक्टली मैस्ड नहीं है अब देखिए आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एकदम सही है ऑप्शन भी याद करते चलना है समझ रहे हैं बात को ऑप्शन भी याद करते चलना है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 110 में है बजट किस में है तो आर्टिकल 112 में है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में है यहां पर जो आर्टिकल 312 आप देख रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक्चुअली आर्टिकल 315 होगा समझ में आ गया 315 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्या ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है समझ गए ये कहां से लिया गया है कहां से तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपको ठीक है सेवेंथ शेड्यूल इज कंसर्न विथ सेवेंथ शेड्यूल जो है इसमें क्या मेंशन है सेवेंथ शेड्यूल में है पार्टी पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स सेंटर का पावर और स्टेट का पावर इसके बीच में जो है यहां पर पार्टीशन किया गया है ये है आपका सेवेंथ शेड्यूल में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जब होता है तो कौन सा आर्टिकल जो है वो नल नहीं होता है ठीक है वो तब भी वैलिड होता है ये है आर्टिकल ट्वेंटी में और ट्वेंटी वन यही दो वो ऐसे हैं जो कि नल नहीं होता है इसको हम लोग फिर भी रहता है इमरजेंसी के भी टाइम में राइट टू प्राइवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट अस राइट टू इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी हमें किस आर्टिकल में ये मिलता है यह है आर्टिकल 14 से 18 जो कि ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है आर्टिकल 14 टू 18 नेक्स्ट विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट अस राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम यह है किसमें आर्टिकल 19 से 22 समझ गए आर्टिकल 19 से 22 जो होगा ये होगा करेक्ट आंसर यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 से 22 में क्या है दिस इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली हम कहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फ्रीडम है हम बोल सकते हैं अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं इस पर हमको कोई रोक नहीं सकता है हमें फ्रीडम है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं जमा हो सकते हैं शांतिपूर्वक फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन्स और यूनियंस एसोसिएशन कर सकते हैं यूनियन बना सकते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत के जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज आप कहीं भी घूम सकते हैं आराम से कोई आपको रोक नहीं सकता है फ्रीडम टू लीव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ़ द टेरेटरी ऑफ इंडिया आपको फ्रीडम है आप कहीं भी रह सकते हैं आप कहीं भी आप अगर आप यहाँ मान के चलिए मैं बिहार से हूँ मुझे मन है कि मैं बैंगलोर में सेटल हो जाऊँ मैं बैंगलोर में सेटल हो सकता हूँ मुझे मन है कि मैं सिल्लीगुड़ी में सेटल हो जाऊँ मैं वहाँ हो सकता हूँ कहीं भी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन समझ गए आपको फ्रीडम है आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं ये नहीं कि हाँ आप इस कास्ट से हैं या आप यहाँ से हैं तो आप यही काम करेंगे ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ भी आपको आप, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन आप कह सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं मान के चलिए कि मुझे मन है कि मैं पान का दुकान खोलकर बैठ जाऊं आपको हिमाचल प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है वहां पर हो सकता है तो ये सब कहाँ है आर्टिकल से ट्वेंटी विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ठीक है ये किस आर्टिकल में यह है, है आर्टिकल तेईस से चौबीस में ठीक है आर्टिकल तेईस से चौबीस नेक्स्ट विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस आर्टिकल में है ठीक है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट आंसर क्या होगा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी एट इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किस आर्टिकल में है इसको स्टार इस मार्क लगा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल थर्टी टू इज द राइट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल थर्टी टू वॉट इज द डेट ऑफ एडॉपन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान राइट आंसर क्या होगा ट्वेंटी नवंबर 1949 को यह डेट याद कर लो क्योंकि यह एग्जाम में टपक सकता है कि विच सॉरी व्हाट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी फोर्टी नाइन नेक्स्ट द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट वाला जो आइडिया था फीचर था वो अपनाया गया था बोरो किया गया था ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एडिड किया गया था ठीक है राइट right आंसर क्या होगा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ठीक है यह हो जाएगा राइट right आंसर और स्वर्ण सिंह कमिटी यह भी किससे है तो इसी फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही है नेक्स्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फॉर्म तो पार्लियामेंट्री फॉर्म था गवर्नमेंट का ये हम किस कंट्री से लिए हैं ये है ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बोरोड है ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंस तो कौन सा आर्टिकल है ये राइट right आंसर क्या होगा आर्टिकल 123 डायरेक्ट याद कर लेना इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन दिखे क्योंकि ये सब रिपीट मोड में पूछा गया आपके एग्जाम में कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट सब आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल सेवेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यह है रिलेटेड किससे तो प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवर्सरी मैसेज टू द पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवर्सरी मैसेज टू द पार्लियामेंट नेक्स्ट क्या है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमोगलेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया तो बहुत बार आप सुनते होंगे कि किसी स्टेट में कोई भी सीएम नहीं है समझ गए वहां पर क्या है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है यह किस आर्टिकल में है आर्टिकल 356। समझ गए? नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज याद ही कर लेना है आपको आर्टिकल 32। नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन में कि महाभियोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है तो वो होगा आर्टिकल 61 समझ गए आर्टिकल 61 इज द राइट आंसर नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचिलिटी एबोल्यूशन ऑफ अनटचिलिटी ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है यह क्वेश्चन आपके दो हजार उन्नीस के एग्जाम में आया था सी एच एस एल आर्टिकल सेवेंटीन ओके नेक्स्ट बाई विच नेम या नेम्स इज आवर कंट्रीज मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है इंडिया एंड भारत हिंदुस्तान जो आप सुनते होंगे वो नहीं इंडिया और भारत यही वो दो नाम है जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में समझ गए इंडिया एंड भारत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है राइट right आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 24 ओके okay, आर्टिकल 24 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21 ए प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान के किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए डाला यह हो जाएगा 86 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट में जो है यह 21 ए का प्रोविजन डाला गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका द टेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ तो दसवा शेड्यूल जो है यह क्या डील करता है यह करता है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन टेंथ शेड्यूल में है नेक्स्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैं इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित भाग में किया गया है और वो भाग कौन सा है वो भाग है पार्ट फोर ए ओके भाग फोर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर ओके तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित रखता है कौन आर्टिकल सिक्सटी एट आर्टिकल सिक्सटी एट जो है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख मानव में यातायात के निषेध से संबंधित है ओके okay, ये आर्टिकल 23 होगा ठीक है नेक्स्ट अफिनेंशियल इमरजेंसी वेरी गुड अ फिनांशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग फिनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ये है आर्टिकल 360 एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि भारत में कितनी बार फिनांशियल इमरजेंसी लगाया गया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए जीरो जीरो इज द राइट आंसर एक भी बार फिनांशियल इमरजेंसी की स्थिति भारत में नहीं आई है और फिनांशियल इमरजेंसी मेंशन है आर्टिकल 360 में नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन ठीक है तो ये कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल फोर्टी ओके यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजनस आर्टिकल फोर्टी में मैंसन है नेक्स्ट Which article ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers द President टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं ये कौन सा आर्टिकल इनको देता है पावर आर्टिकल 143 143 एक चार तीन समझ गए 143 नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर पहली बार अमेंड कब हुआ था अमेंडेड कब हुआ था पहली बार आर्ट ये हो जाएगा 1951 में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट इच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर आप देखते होंगे हर स्टेट में अपना एक गवर्नर होता है ये जो है किस आर्टिकल में मैंशन है कि ये प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा ओके ये है आपका आर्टिकल 153 ओके 153 इज द राइट आंसर 153 में मेंशन है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स से आर्टिकल 152 इसमें दिया हुआ है डिफिनीशन ऑफ स्टेट स्टेट के डिफिनीशन के बारे में आर्टिकल 154 है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जो गवर्नर के पास जो पावर्स होते हैं उसके बारे में 154 में है और आर्टिकल 154 और आर्टिकल 154 वन में है रिलेटेड टू सी ए से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 151 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है राइट right आंसर क्या होगा आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 में है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट समझ गए यहां देखिए आर्टिकल 61 में क्या है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 में है प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और आर्टिकल 54 में है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट समझ गए ये सब आपको याद करना है नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट है आपका कि पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग तो पार्ट फोर में आपको क्या मिलता है पार्ट फोर में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी समझ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब आपको देखना है इसे पार्ट वन में आपका ये पूरा पार्ट ही आपको याद कर लेना है समझ गए ये पूरा पार्ट आपको याद कर लेना है कि पार्ट वन में आपका मेंशन है यूनियन उसका टेरिटरी पार्ट टू में है सिटीजनशिप पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स पार्ट फोर में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट फोर में है ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज फिर यूनियन फिर स्टेट्स समझ गए इस तरीके से आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी अब आप चलिए बताइए कि नेशनल इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी चलो बताओ कि नेशनल इमरजेंसी ये आपका किस में है ये है आर्टिकल 352 में समझ गए आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर नेक्स्ट च आर्टिकल वॉज रेफर्ड टू एज द हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओके हर्ट एंड सोल यह किस आर्टिकल को कहा गया है राइट right आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल थर्टी टू क्योंकि आर्टिकल थर्टी टू में ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के बारे में मैंशन है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कब हुआ था फाउंडेड राइट right आंसर क्या होगा 1946 ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपको मेंशन है राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सिक्स ओके सिक्स इज द राइट आंसर फंडामेंटल राइट्स जो है यहां पर पूरा सिक्स के बारे में आपका दिया हुआ है समझ गए राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एजुकेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है फंडामेंटल राइट okay? अब देखिए कुछ एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टपक सकते हैं तो एस एस सी क्रैकर एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स जो यहां पर दिए हुए हैं इसको आपको एकदम याद कर लेना है क्योंकि ये सब इससे पहले वाले तो पूछे गए हुए हैं लेकिन ये एक्सपेक्टेड है जो कि मैंने आपके लिए किया है कि आर्टिकल ट्वेल्व में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट जब आपसे पूछे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल ट्वेल्व इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है आर्टिकल फोर्टी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ ये आपका आर्टिकल फिफ्टीन में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल सिक्सटीन में है एबोल्यूशन ऑफ अनटचिलिटी आर्टिकल 17, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, प्रोहिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहिव्य प्रोविशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर एज फोर्टीन आर्टिकल 24 है देखिए आर्टिकल में ये बात मेंशन है समझ गए ये मेंशन दिया हुआ है कि अगर किसी की उम्र चौदह साल से कम है तो वो कहीं पे जॉब नहीं करेगा उसको एम्प्लॉयमेंट के तौर पे आप नहीं लेकिन कभी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दस साल का बच्चा आठ साल का बच्चा काम करते हुए आपको बेटर के रूप में मिल जाएगा जबकि ये गलत है समझ रहे है बात को ये आर्टिकल चौबीस में मैंशन है कि ये रोक रोक लगाता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइन्स अंडर एज ऑफ फोर्टीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल फोर्टी में है उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं समझ गए जो कि आपको ये सब चीज़ करना है समझ गए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है इसको आपको याद कर लेना है पी को डाउनलोड करके समझ में आ गया तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल्स का जो टॉपिक है यहीं पर होता है समाप्त समझ गए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका हंड्रेड एंड टेन परसेंट है कि आपके एग्जाम में इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बहुत सिंपल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होगा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट